मधुबनी में एक और अजब प्रेम की गजब कहानी। पति गए प्रदेश तो वृद्ध ससुर को छोड़कर 5 वर्षीय पुत्र को लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई विवाहिता। अब प्रत्येक 6 महीने पर बच्चे को उनके पिता से मिलाने और वीडियो कॉल पर बात कराने का न्यायालय ने दिया आदेश। बेड़ीपट्टी व्यवहार न्यायालय से जुड़ा मामला, क्षेत्र में बना चर्चा का माहौल। पति को छोड़कर अब अपने प्रेमी के संग बच्चे के साथ रहेगी महिला। कथित अपहरण के मामले में जेल में बंद प्रेमी की मां को मिली जमानत। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय परिसर में सोमवार को एक अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। दरअसल पतौना थाना पुलिस ने एक कांड के कथित अपहर्ता शोभा देवी को धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज कराने हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया, लेकिन इसकी खबर गाँव में पहुंची तो उसके बाद कथित अपहर्ता को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मामला काफी रोचक था। अपहृत महिला ने गांव के ही नवासा में बसे गांव के नाती के अपने 5 वर्षीय पुत्र के साथ भागकर शादी लेने की बात सामने आ रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामकृपाल महाराज ने एक लिखित आवेदन पतौना थाना को देकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि रात के करीब 12 बजे मेरी पत्नी शोभा देवी घर से शौच के बहाने निकली। उसके बाद ही गांव के राधेश्याम महाराज, जय कृष्ण महाराज, शांति कुमारी, रागिनी कुमारी, जयमाला देवी सभी ग्राम अजनौली थाना पतौना जिला मधुबनी ने एक राय होकर शादी करने के नियत से उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया। पत्नी के साथ एक बच्चा भी है। अपने स्तर से काफी खोजबीन करने के बावजूद भी नहीं मिला तो गांव के जयमाला देवी के घर बोलने गया तो जयमाला देवी ने बोली कि 2-4 दिन में लड़की को बुलाकर वापस दे दूंगा। 2-4 दिन बीत जाने के बावजूद पत्नी को वापस नहीं किया तो उसके बाद पुनः बोलने पर सभी लोगों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। इसी संदर्भ में थाने को एक आवेदन देकर साथ में ग्रामीणों के सहयोग से जयमाला देवी को पकड़कर थाने को सुपुर्द कर दिया गया। पतौना थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जयमाला देवी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए व्यवहार न्यायालय बेनीपट्टी भेज दिया। इस संदर्भ में आवेदक जो अपहृत विवाहिता का पति है उसने बताया कि वो रोजी रोटी को लेकर कमाने मेघालय चले गए थे। घर पर वृद्ध पिता और पत्नी अपने बच्चों के साथ रहती थी। पत्नी को बहला फुसला कर कुछ खिला दिया है जिससे अब पत्नी अपने पति को पहचानने से इनकार कर रही है। वहीं जिस लड़के ने विवाहिता को भगाकर लेकर गया वो अपराधी किस्म का है। इधर विवाहिता की ननद कल्पना देवी ने जानकारी देते हुए बताया कि अपाता रिश्ते में भांजी भी है और भाभी भी है। 6 वर्ष पूर्व प्रेम प्रसंग से शादी की थी जिससे एक पुत्र भी जन्म लिया है। भाई बाहर रहकर मजदूरी का कार्य करता था। घर पर पिता, भाभी, बच्चे के साथ रहती थी। उसी बीच बहला फुसला कर शादी करने की नियत से विवाहिता का अपहरण कर लिया था जिसे आज पतौना थाना पुलिस ने बरामद कर न्यायालय में पेश किया है। न्यायालय में विवाहिता ने अपने पति को छोड़कर घर से भागे प्रेमी के साथ रहने की बात कही। अब मामला बच्चे के अधिकार को लेकर था। बच्चे का दादा और पिता कथित अपहर्ता शोभा देवी से बच्चे को लेकर गुहार लगाते रहे लेकिन एक का भी नहीं सुनी। माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने अपहर्ता शोभा देवी को अपनी स्वेच्छा अनुसार जाने की अनुमति इस शर्त के साथ दी कि बच्चे को उनके पिता रामकृपाल महाराज से 6-6 महीने पर मिलवाएंगे एवं वीडियो कॉल पर भी बच्चों के पिता से बात कराते रहेंगे। न्यायालय में बयान होने के पश्चात अपहर्ता शोभा देवी अपने नई सास के साथ तथा कथित पति के घर चली गई। मधुबनी से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। जई गांव में रहे चले, हमरा घर में कोई नहीं। एगो हमर भाई बाहर मेघालय में, हमर बूढ़ बाप, आई हमर भगिनी जा, हम एक ब्याह दा शादी सब बचपन से पालने छे, बाप नहीं छे, एक माय एक भाई नाबालिग छे अखन, एक माय के हम रखने छे। हमरा घर में लेडीज है, जमाला नाम छे, जेल में घर वाला के खटेने है, अखन जेल से घर वाला छोड़ देने छे। छोटका बेटा गुड़गामा से कांड को कैल छे, वो पुलिस के केस है तो हमरा भाई के फैल में छे। एक माय एक कट्ठा जमीन एक नैहर में लिख देने छे। कहाँ की है उसका नैहर? कहाँ है? अजनौली, सासुर मोरबार। एक घर वाला एक छोड़ देने छे, घर वाला के 10 साल जेल खटेलक हन। अब एक नैहर में जगह माय देने छे एक कट्ठा। क्या नाम है उसका? पति का नाम है बलराम महाराज। आई औरत या 420 हमरा अंगना में जा के कान भर दिलक हन। की औरत है? हमर भगिनी नहीं चले, हमरा बेटा के तुरिया, हम ब्याह करे ले छी अपना घर पर सब, एक सबका शिक्षा पढ़ा के तब हमरा घर में कोई नहीं चले। हमर एगो वृद्ध बाप है, तब हमरा घर से उठा के लग गए बेटा। कौन लेके गया? एक बेटा गेल। क्या नाम है उसका? राधेश्याम। राधेश्याम कहाँ घर है उसका? ओकर घर मोरबार जी, मोरबार अजनौली के भगिना, अजनौली के भगिना है। हमरा एक भाई बहन छे,
लव मैरिज हमारा भाई से के नहीं लिया। कितने साल पहले लव मैरिज? 6 साल पहले। 4 महीने। क्या वो बच्चा है उसका? एक बेटा है। 6 बच्चे बेटा को लेके भाग गया है। और लेके भागल हमारा घर से। और जो ब्याह किया अभी प्रेम प्रसंग जिसके साथ चल रहा है वो कहाँ का है? वो मोरबार के अजनौली के नाइत छी। कब की घटना है ये? ये तीन मार्च के 15 बजे अभी न्यायालय का क्या आदेश हुआ है? अभी न्यायालय कुछ नहीं कर रहा, उसका वो जो जमाला देवी है उसके सारे कुछ सिखा के भेजे इसको। क्या नाम है आपका? हमारे नाम कल्पना है। लड़की कौन लगेगी? प्रीत भांजी भी है, भाभी भी है, लव मैरिज है, शादी करना चाहिए। सुनो ना, हमरा बात करो। ये चेक किया है जमाला देवी ने किया अभी एकर घरों वाला कर। अभी उनका कहना क्या है? वो कह रहा जी लड़की के सिखा पढ़ा के अपना तरफ ला ले। लड़की क्या कह रही है? लड़की घर में 2 महीना हो गए। इस मामले में किसी का गिरफ्तारी भी हुआ है? हाँ, चौमाला देवी 1.5 महीना से बिजा की 1.25 महीना जेल में रहा है। बेल भ गए। एक हफ्ता पहले कौन लग रही है? पुतोह बैल चले अफरन केस लोग चुपे भागल बूढ़ आदमी। हम सुत कही अगला से अगना हमारा अगना सब आबे छला। बेटा कत रही है? मेघालय रह छला। कोई कत मिल तब ना तै दुआरे बहुत गरीब घर पर केस सब चले। बहनी चले ई जे या बहनी ही आया को जा है एगो बच्चा। हां राइट तो भाग गई ना राइट तो भाग गेल की? हां 12 1 हम 10 बजे से नियम जाने कते दिन के बाद पुलिस पहुंचल के? वही दिन भगल।